व्हाट्सअप गाइज, दिस इज आराम खान आना बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों, जब एक इंसान यूट्यूब पर आता है तो उसके माइंड में एक क्राइटेरिया सेट होता है कि मुझे जल्द से जल्द अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 आवर्स का वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद ही मेरा चैनल मोनेटाइज होगा और मेरी वीडियोज़ पर एड्स वगैरह आना स्टार्ट होंगे, मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन गाइज, मैं आपको बता दूँ, यूट्यूब टाइम टू टाइम अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को थोड़ा थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाता रहता है। इस बार भी यूट्यूब मोनेटाइजेशन को लेकर एक न्यू अपडेट आई है। इस बार की अपडेट है यूट्यूब वॉच टाइम को लेकर। जैसे कि आपको मालूम है कि मोनेटाइजेशन के लिए हमें पिछले 365 दिनों में, लास्ट 365 दिनों में 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने होते हैं। लेकिन पहले होता क्या था गाइस, हमें 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है वो पब्लिक वॉच टाइम चाहिए होता था। मतलब हमने अपनी कोई भी वीडियो प्राइवेट कर रखी है या अनलिस्टेड कर रखी है, या हमने किसी वीडियो को डिलीट कर दिया, या बाई चांस यूट्यूब की तरफ से हमारी कोई भी वीडियो डिलीट कर दी गई है, या हमने गूगल एडवर्ट के थ्रू हमने किसी वीडियो को प्रमोट कराया है, तो उन वीडियोज का वॉच टाइम काउंट नहीं होता था। लेकिन गाइस, अब यहाँ पर एक न्यू अपडेट निकल कर ये आ रही है कि आप अगर अपने यूट्यूब की वीडियोज को स्टोरी टैब में प्रमोट कराएंगे, अगर आप स्टोरी टैब से वॉच टाइम लेंगे तो भी आपका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। सेकंड गाइस, अगर आप अपनी शॉर्ट वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहे हैं तो शॉर्ट वीडियोस का भी वॉच टाइम आपका काउंट नहीं होगा। आफ्टर दैट गाइस, मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं कि आप लोग में से काफी सारे लोग अपने बड़े बड़े क्रिएटर्स के पास जाकर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी वीडियो को स्टोरी टैब में डाल दीजिए वगैरह वगैरह, तो अब ऐसी गलती करना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर किसी क्रिएटर ने आपकी वीडियोज को अपनी स्टोरी टैब में डाल भी दिया तो वहां से आपको जो भी वॉच टाइम रिसीव होगा वो आपके मोनेटाइजेशन में काउंट नहीं होगा, आपके वॉच टाइम में वो काउंट नहीं होगा। उसके अलावा गाइस, काफी सारे लोग अपने यूट्यूब की शॉर्ट वीडियोस बनाकर डालते हैं, उनकी शॉर्ट वीडियोस काफी वायरल हो जाती हैं और वो अपनी शॉर्ट वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी लॉन्ग वीडियोस का लिंक दे देते हैं। अगर कोई पर्सन उनके शॉर्ट वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके उनकी लॉन्ग वीडियो को वॉच करेगा तो ऐसे में भी उनका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। तो गाइस, ये थी यूट्यूब की न्यू अपडेट। मुझे लगा आपको इस बारे में बताना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से 50% सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं गाइस जिनका चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो आप लोग किसी की भी स्टोरी टैब में अपनी वीडियो को प्रमोट मत कराइए, शॉर्ट वीडियोस के वॉच टाइम के भरोसे मत रहिए कि काउंट होगा या नहीं। आई होप कि आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर वीडियो बनाएंगे और अपने वॉच टाइम के प्रति और ज़्यादा मेहनत करेंगे। ये अपडेट आपको कैसे लगी गाइस, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सच बताऊं गाइस, तो मुझे तो ये अपडेट बिल्कुल ही बेकार लगी क्योंकि इसमें न्यू क्रिएटर्स का बहुत बड़ा लॉस है। वो लोग कहीं ना कहीं से अपना वॉच टाइम इकट्ठा करते हैं और यूट्यूब अपनी पॉलिसी को स्ट्रिक्ट बनाता जा रहा है। बट कोई नहीं गाइस, मेहनत करते रहिए। अगर आपके कंटेंट में दम है तो 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, आपको यूट्यूब पर ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऑलवेज वर्क हार्ड बट नेवर गिव अप, जैसे कि मैं अपने हर वीडियोस में कहता हूँ। तो मेहनत करते रहिए गाइस और यूट्यूब की जो जर्नी है वो आप लोगों के लिए आसान होती चली जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड लेटेस्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड न्यू वीडियोज एंड अपडेट्स मैं आपके लिए डे बाय डे लाते रहता हूँ। तो बस गाइस, हैव अ गुड डे अहेड, लव यू ऑल, टेक केयर।